सद्गुरु कबीर की एक साखी है, आपा तजय हरि भजय, नक्षिक तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। बहुत प्रसिद्ध साखी है और सरल भी है, अनेकों बार इसको पढ़े हैं, इसकी व्याख्या सुने हैं। गुरुदेव जी कहते थे कि ये जीवन के लिए पंचामृत है। पंचामृत, पांच बातें हैं इसमें। पहली बात है आपा तजय, दूसरी बात है नक्षिक तजय विकार, एड़ी से चोटी तक जिसे कहते हैं ना, नख पैर के अंगूठे वाला नाखून, सिख सिखा चोटी, दूसरे शब्दों में कहते हैं ना एड़ी से चोटी तक, नक्षिक तजय विकार। यहाँ भाव है संपूर्ण दोष का त्याग, सब जीवन से निर्वैर रहे, सब जीवों से निर्वैर भाव रखे, साधु मत, और यही जीवन का सार है। साधु मत में चले जाओ, इतना सब कर लेते हो, जीवन को सार मानो पा गए। जीवन किस लिए मिला है? कभी कभी अकेले में पूछना चाहिए अपने आप को, मैं क्यों जी रहा हूं, चाहता क्या हूं मैं? जीवन गुजर की आवश्यकता हम सबको है, प्राणी मात्र को है। हर जीव उदर पोषण के लिए मेहनत करता है। छोटा छोटा जंतु देखो, छोटा सा प्राणी हर समय कहीं न कहीं चलता है। चींटी को देखो, चलती रहती है। क्या उद्देश्य है? क्या उनको कोई मकान बनाना है, कोई संस्था चलाना है? पहला उद्देश्य है पेट भरने की, उदर पोषण। फिर जीव हैं तो स्वाभाविक रूप से प्रजनन, तो प्रजनन भी अपने समान प्राणी पुनः पैदा करने की बात आती है। मुख्य रूप से तो उदर पोषण के लिए ही दौड़ते रहते हैं, तो गलत नहीं है उदर पोषण। गुरुदेव जी कहा करते थे, प्रायः पूछा करते थे, क्यों कमाते हो, क्यों कमाते हो? लोगों से पूछते, क्यों कमाते हो? खाने के लिए। क्यों खाते हो? जीने के लिए। क्यों जीते हो? क्यों जीता हूं मैं? क्यों क्यों क्यों? इतने प्रश्न अपने पर लाद दो और वहां तक रूट कोज एकदम जड़ तक पहुंच जाओ, और वहां तक पहुंचो जहां पर उत्तर समाप्त हो। क्यों साधना मार्ग में चल रहा हूं? ये काम मैं क्यों करता हूं? जो भी आप करते हैं, कभी भी कोई काम करने लगे, क्यों कर रहा हूं? क्यों पुस्तक पढ़ता हूं? क्यों ध्यान में बैठता हूं? क्यों सत्संग करता हूं?
क्या चाहिए? हम सभी सब कुछ करते हैं और अंत में जा कर के चाहते हैं कि मैं भीतर से शांत और शीतल हो जाऊं, दुख मुक्त हो जाऊं, दुख मुक्त हो जाऊं। अकेले में बैठे अंदर में द्वंद न सताए, पीड़ा न हो, उद्वेग न हो, हलचल न हो, शांत, किसी बात को लेकर के किसी के प्रति कोई आकर्षण, अमुक आदमी से मिलना था, कब मिले, क्या हुआ, बिना मिले बिना बात किए अंदर से एक बेताबी हो, ये द्वंद पैदा करते हैं, ये द्वंद पैदा करते हैं। और किसी से बदले का भाव हो, नफरत हो, घृणा हो, संघर्ष हो, सब द्वंद पैदा करते हैं। तरंग तरंग पानी में जब तक तरंग रहेगी, लहरें रहेगी, अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। सद्गुरु कबीर ने कहा है, हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तब ही देखी हो जब दिल की दुविधा जाए। हृदय भीतर क्या है? आरसी, आरसी अर्थात दर्पण, दर्पण है, दर्पण में तो चेहरा दिखाई देता है। सद्गुरु क्या कहते हैं? वो आपके हृदय में ही आरसी है, लेकिन आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तब ही देखी हो जब दिल की दुविधा जाए। मुख कब देखोगे, चेहरा कब देखोगे? जब दुविधा खत्म हो, द्वंद खत्म हो, तरंग रहित मन, स्थिर जल, स्वच्छ जल, वही प्रतिबिंब दिखाई देगा। ऐसा मन कब होगा, कब होगा ऐसा मन? दिन बीतते चले जा रहे हैं, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। रोज सुबह सूर्य निकलता है और शाम को अस्त हो जाता है, हमारे जीवन का एक दिन चुरा कर ले जाता है, और वह दिन जो फिर कभी लौट के नहीं आएगा हमारे जीवन में। आज जो दिन बीता, क्या हमारे जीवन में फिर कभी लौट के आएगा? सदा के लिए बीत गया। सोचना यह है कि आज मैं अपने जीवन का एक दिन देकर क्या अर्जित किया? द्वंद, संघर्ष, क्लेश, कहाँ सफलता मिली? छोटी छोटी बातों में हम अपना आपा खो देते हैं। सद्गुरु पहली बात कहते हैं, आपा तजय, छोड़ दो, क्यों बड़े बनते चले जा रहे हो? जिन बातों को लेकर के अपने को बड़ा मानते हो, उसका क्या आधार है? या तो आपके पास धन ज़्यादा होगा, कुछ ज्ञान ज़्यादा होगा, कुछ पद बड़ा होगा। कितने दिन का होगा ये, कितने दिन का होगा? वह धन जो हमारे काम लायक नहीं है, काम लायक का मतलब जीवन निर्वाह के अलावा और कौन सा उसका उपयोग है? जिससे हम धन कह रहे हैं ना, क्या है धन? असली धन, असली धन क्या है? गुरुदेव जी कहते थे, असली धन है रोटी, भोजन। शेख शादी ने एक जगह लिखा, मैं
बसरा के रेगिस्तान में भटक गया, भूख लगी, प्यास से तड़फने लगा, ऐसा लगा बच नहीं पाऊंगा, थोड़ा भोजन मिल जाए, थोड़ा पानी मिल जाए। चलता जा रहा था, देखा दूर एक गठरी रखी है, एक पोटली रखी है। मन में बड़ी तृप्ति हुई, एक संतोष हुआ, कुछ रखा है, कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, कुछ खाने की चीज़ होगी। गया, तीव्रता से गया, गठरी पोटली खोलता हूँ और देख करके मैं बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उस पोटली में हीरे जवाहरात पन्ना पोखराज कीमती रतन थे। क्या करूँ मैं उसमें? अब उस भूख प्यास के समय क्या उस हीरे जवाहरात का महत्व है? पानी चाहिए, भोजन चाहिए। इसके अलावा जिस धन को मानते हैं कि हमारे पास इतना है और बड़प्पन करते हैं, साहब कहते हैं छोड़ दो, पद का कौन महत्व है? अकेले हो जंगल में, आप अकेले हो जंगल में, किसको बताओगे अहंकार? मैं बड़ा पद वाला, कौन सुनेगा? पेड़ पौधों के बीच में कौन धन को देखेगा? ज्ञान का क्या महत्व है वहां पर? ज्ञान वही है जो हमें अंदर से तृप्ति कर दे, शांत कर दे और जितना हम अपने प्रति सम्मान का भाव रखेंगे उतना ही अपमान हमको लगने लगेगा। भाव ही खत्म कर दे, ना चाहे उस चीज को कोई बात नहीं है। कोई प्रणाम करता है करे, सम्मान करता है करे, ना करे मेरा क्या है? मेरा क्या अधिकार है उसे सम्मान पाने का? कौन होता हूँ मैं? मैं भी एक प्राणी हूँ, दुख मिटाने के लिए काम कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ। क्या हक है किसी के लिए कि मैं उनको झुकाऊं? क्यों उनको मैं अपने सामने छोटा बनाना चाहता हूं? अब्राहम लिंकन से एक बार एक विद्यार्थी ऑटोग्राफ लेना चाहता था, दिया अपनी डायरी। अब्राहम लिंकन ने कहा, लिखा उसमें, मैं किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहता क्योंकि मैं खुद किसी के गुलामी में नहीं रहना चाहता। कितनी अच्छी बात कहते हैं, मैं किसी को अपना गुलाम नहीं बनाना चाहता क्योंकि मैं खुद किसी के गुलामी में नहीं रहना चाहता। मैं नहीं चाहता किसी की गुलामी करूं, तो मैं क्यों दूसरों को गुलाम बनाऊं? उन्हीं के बारे में एक बात आती है कि जा रहे थे, अब बड़े पद पर थे वो, तो और भी उनके अंगरक्षक थे। एक माली देखे कि हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, तो अपना कैप उठाया, झुका, अभिवादन किया। अब्राहम लिंकन अपना भी कैप उतारा, उनके सामने झुका, अभिवादन का उत्तर प्रतिभाव प्रत्याभिवादन किया, आगे बढ़ गए। अंगरक्षक ने कहा, सर आप इतने बड़े पद पर हैं, देश के राष्ट्रपति हैं, और एक सामान्य माली उनके सामने अपना कैप, अपना हेड आप उतार रहे हैं, सिर झुका रहे हैं। लिंकन ने कहा कि मैं अन्य किसी मामले में भले पीछे हो जाऊं, लेकिन विनम्रता के मामले में मैं किसी से भी पीछे नहीं रहना चाहता हूं, किसी से भी पीछे नहीं रहना चाहता हूं। ये दिल से होता है, दिल से होता है, दिखाने से नहीं होता है।
अनेकों बार मर्यादा होती है, मर्यादा के अनुरूप जीना होता है। सामने वाले को भी कष्ट हो सकता है, इसलिए मर्यादा। लेकिन भाव ये न रहे कि लोग मुझे बड़ा माने, और इसीलिए तो हम आपा खो देते हैं। जब कोई कुछ कहता है, अब कितना अपने से ओवरफ्लो हो जाते हैं, शब्दों में संयम नहीं रख पाते हैं, असंयत शब्द बोलते हैं, व्यवहार ऐसा करते हैं, लगता नहीं कि मैं साधु हूँ, लगता नहीं। लंबा समय बीत गया साधु का कपड़ा पहने, आज भी फटे बांस की तरह आवाज, आज भी झनझना रहे हैं, शांत नहीं है। क्या लूट जाएगा हमारा, क्या छीन जाएगा? कुछ छीनने वाला नहीं है जिसके लिए इतना हम खो रहे हैं अपने आप को। शांत रहो, सबसे बड़ी संपत्ति यही है। कुछ चीजें हम पा गए और शांति को खो दिए, क्या मतलब निकलता है? असली संपत्ति है, उसे तो आपने खो दिया, नकली को बटोर लिए, सब छूट जाता। आप अपने आप में रहते, मैं अपने आप में रहता, मूलधन मेरा है ना, वो मैं बचा के रखता, ये महत्वपूर्ण है। सदगुरु कहते हैं छोड़ो इन बातों को, हरि भजे। हरि भजने का क्या अर्थ है? वहां झुके जहां से हमें कुछ मिल रहा हो, मिल रहा हो। ज्ञान अर्जन करना है, झुकना है। ये पूरी सत्ता से ज्ञान मिल रहा है, पूरी सत्ता से। हर व्यक्ति व्यक्ति ज्ञान दे रहा है। अभी सुन रहे थे, चोर से भी ज्ञान लो, बिल्कुल सही है। गुरुदेव जी की पुस्तक है मानस मणि, आप पढ़ेंगे। सबके गुणों से उन्होंने दिखाया है, इनके जीवन आचरण से, इनके जीवन आचरण राम के, सीता के, दशरथ के, रावण के भी लिखा है, शूर्पणखा का भी लिखा है, उन्होंने भी बताया है। कितनी अच्छी बात है, उनसे भी लेना है, सब जगह से ही ज्ञान लेना है और झुकना है पूरी तरह से। बिना झुके हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एक आदमी था, केमिस्ट रहा होगा, कहानी है। स्वर्ण बनाने की उनके पास में कोई टेक्निक थी, कोई विधि थी। राजा को पता चला, उन्होंने कहा मुझे सिखा दो स्वर्ण कैसे बनाया जाता है। अब राजा पकड़ गया, मुझे सिखा दो स्वर्ण, पकड़ करके मंगवाए, बुलाया गया उनको। मैं नहीं सिखाऊंगा, अब क्या करें, मुझे सिखा दो, मैं नहीं सिखाऊंगा। बड़ी हैरानी, तो बहुत डराया, धमकाया, मार दिया जाएगा, मार दो भले, मैं नहीं सिखाऊंगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मार दो, हत्या कर दो, लेकिन नहीं सिखाऊंगा। राजा हैरान, जेल में डलवा दिया। फिर बातचीत किए मंत्रियों से, कैसे सीखा जाए? मंत्रियों ने कहा ऐसे नहीं सीखेंगे आप, दूसरा तरीका है। राजा सुने, लगा सही है, वेश बदलते हैं और उनके पास गए और बड़ी सेवा किए उनकी, बहुत सेवा किए। भोजन, पानी, कपड़ा लत्ता, शयन, जो भी होगा, बहुत विनम्रता से सेवा करते रहे, सेवा करते रहे, अच्छी से सेवा करते रहे। छोड़ दिए थे उनको जेल से बाद में, बहुत सेवा की उनकी, उनके पास जा करके। तो
अब सेवा इतनी किए, अब उनके प्रति बहुत प्रसन्न, स्वाभाविक सेवा करने के प्रति स्नेह भाव हो ही जाता है, बातें होने लगी, इतने आपस में तालमेल हो गया, बातचीत करने लगे। पूछे, मैंने सुना है आप स्वर्ण बनाना जानते हैं, कैसे बनाते हैं? लेकिन प्रेम इतना हो गया था, इतनी सेवा, इतनी विनम्रता उनके सामने, सहज बता दिया, ऐसे 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 उसका तरीका है। अब सीख गया, आया, अब राजा को पता चल गया कि कैसे बन गया बत्ता है। अगली बार फिर उनको बुलाए, उस व्यक्ति को, मुझे सिखा दो स्वर्ण बनाना, मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं नहीं सिखाऊंगा। तब राजा ने कहा, लेकिन मैं जान गया, मैं सीख गया, मैं सीख गया कैसे स्वर्ण बनाना चाहिए, मैं सीख गया। उसने कहा, जरूर सीख गए होंगे आप, लेकिन कहीं भी जाकर के आपने सीखा होगा तो आप विनम्र होकर के सीखे होंगे, अहंकारी होकर के नहीं सीखे होंगे। क्या कहा? कहीं भी आप सीखे होंगे जाकर के, तो सेवा करके और विनम्र होके ही सीखे होंगे। बाद में पता चला आगे क्या क्या किया था। बात यहाँ पर ये थी, हरि भजय, हरि का भजन करो। क्यों भजन करना है? हम गरजी हैं, हमें गरज है, संतों के समीप रहने की गरजी है, सेवा के लिए, ये हम अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए। नक्षिक्त जय विकार, सारे दोषों को छोड़ दो, चाहे वो तन के हों, मन के हों, वाणी के हों, एक भी दोष रह गया, वो बीज रह गया, समझो वो बीज रह गया, नहीं चाहिए। सब जीवन से निर्वैर रहे, कमाल की पंक्ति है ये। सब जीवन, जीवन का यहाँ अर्थ है जीवों। कभी कभी मैंने कहा है जीव, ये एक शब्द है, लेकिन न लगा है ना, जब कहीं सदगुरु कबीर के कहीं कहीं शब्द में न लगता है तो बहुवचन हो जाता है। सब जीवन से निर्वैर रहे, सब जीवों से, जीवन यहाँ पर जो जीवन जी रहे हैं वो नहीं है, सब जीवों से निर्वैर रहे, सब जीवों से निर्वैर रहे, प्राणी मात्र से निर्वैरी का भाव, किसी के प्रति बैर ना हो। दुश्मनी कब तक रखोगे? दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे। फिर से कह रहा हूं, दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे। दुश्मनी, शत्रुता का भाव आदमी को थका डालता है, उसकी शक्ति को चूस लेता है, किसी काम लायक नहीं रहता है। जैसे कीड़े लगते हैं और फसलों को चूस लेते हैं, और फसल की जब मिजाई की जाती है तो उसमें से केवल पहिया निकलता है, दाने नहीं निकलते हैं, ऐसे ही जीवन में सार बचेगा ही नहीं, निसार। सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार, साधु मत त्याग का मत है, विराग का मत है। जीवन किस लिए मिला है? दुश्मनी करने के लिए, संघर्ष करने के लिए, वैभव बटोरने के लिए, शांत रहने के लिए, दुख मुक्ति के लिए, उसके लिए उपयोग करें जीवन को, वहां खपाएं जिससे दुख मुक्ति हो। एक लाइट हाउस था समुद्र किनारे, कहीं आप देखे होंगे, बड़ा सा एक खंभा होता है, दूर से जो जहाज आता है तो उनको बताया जाता है लाइट हाउस के माध्यम से कि इस डायरेक्शन में आए रात में, दिशा दिखाने के लिए। उस लाइट हाउस में एक महीने में तेल की सप्लाई होती थी, एक महीने में तेल की सप्लाई कर दी जाती थी। समुद्र किनारे था वो,
ताकि जहाज़ों को वहाँ से वो लाइट दिखा करके एक देश, वो चट्टानों वाला था, चट्टाने बड़ी बड़ी चट्टाने थी उसमें, गांव नज़दीक था, गांव के लोग मिलने चले जाते थे उस पहरेदार से, लाइट हाउस में जो पहरेदार था, चौकीदार था, उससे मिलने चले जाते थे, एक दूसरे में मिलना जुलना। एक दिन एक आदमी आया, थोड़ा सा तेल दे दो, घर में थोड़ी गर्मी करनी है, बहुत ठंडा है। अब प्रेम इतना हो गया था, दे दिया। एक दिन एक महिला आई, थोड़ा भोजन बनाना है, थोड़ा सा तेल दे दो, उसको भी तेल दे दिया। एक दूसरा आदमी आया, उसने कहा कि थोड़ा सा प्रकाश करना है, थोड़ा सा तेल दे दो। सबकी इच्छाएं, सबकी मांगे बड़ी जायज लगती थी, वो सबको तेल देता रहा। महीना का अंत हो गया, तेल खत्म होने लगा, और ऐसा हुआ वह मशाल बुझ गई, और उसी रात को कई जहाज चट्टानों से टकरा गए, कई लोग मर गए। सरकारी जांच आई, इंस्पेक्टर ने जब देखा तो पछताने लगा, अफसोस कर रहा था, दुखी था अपने करतूत पर। अधिकारियों ने कहा, बताया सब, बहाने बना रहा था, उसने तेल मांगा, उसने तेल मांगा। अधिकारियों ने क्या कहा, लेकिन तुम्हें तेल केवल एक काम के लिए दिया जा रहा था, लाइट जलाने के लिए, प्रकाश करने के लिए, तेल केवल एक काम के लिए दिया जा रहा था, प्रकाश जलाने के लिए। जीवन केवल एक काम के लिए मिला है, साधना में कदम हम लोग केवल एक काम के लिए रखे हैं, अपने आप में स्थित, अपने आप में शांत, द्वंद रहित जीवन। सद्गुरु कहते हैं, जीवन का सार तब पाओगे जब सब कुछ छोड़ करके अपने आप में आओगे, नहीं तो दुख और अशांति में जीवन बीतेंगे और जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अभी भी समय हम लोगों के पास में, अपने जीवन की रक्षा करें, शांति की रक्षा करें और जीवन को सफल बनाएं।